अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक और टॉपिक लाया हूँ आप लोगों के लिए जो कि बायोलॉजी फर्स्ट ईयर से। हमारा जो टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नाम से जा रहे सही है, एंडोमीन इनसाइड, एंडोमीन इनसाइड, एंडोप्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म। हमारे पास रेटिकुलम है, वो हमारे पास नेटवर्क है, नेटवर्क विकल नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले देखना है कि किसने डिस्कवर किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट डिस्कवर किया पोर्टर ने। पोर्टर ने डिस्कवर किया 1945 में, 1945 में इसको डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद अभी उसका पहचान एक काम प्रेजेंट है। मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल में मौजूद है। जो आज का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोजिशन और फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब जो बने किस चीज से है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बने हैं, बने से। कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बने हैं, सही कंपोजिशन मिलकर बने हैं, सही। जो हमारे पास टॉपिक है, जो टाइप्स है इसका, टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स है, एक समूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। फर्स्ट जो समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास there is no any ribosomes, that's we call smooth endoplasmic, kyunki uske pa yahan pe jo ribosomes nahi hai usko hum log smooth endoplasmic reticulum kahenge. jo hamare paas rough hai, rough endoplasmic reticulum, naam se zahir hai ribosomes are present on the surface of membrane, मेम्ब्रेन के साथ जो हमारे पास रफ है। रफ हम लोगों ने जो मैंने ग्रीन से यूज उसको डायग्राम उसको बनाया है, सही है, उसको कहेंगे हम लोग रफ एंडोप्लाज्म। रफ समूथ जो था उसके साथ राइबोसोम नहीं था। जो रफ है हमारे पास वो उसके साथ जो राइबोसोम्स है वो मौजूद है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस है एमआरएनए है, ठीक है। जो हमारे पास अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सिस्टर नहीं कहें, सिस्टर नहीं। जो इसका जो सिस्टर नहीं के जो पार्ट्स है उसके अंदर जिसको सिस्टर्नल कहें, सिस्टर्नल स्पेस, सिस्टर्नल स्पेस कहेंगे और या ल्यूमन कहेंगे, ल्यूमन, ठीक है। जो हमारे पास जो ग्रीन से शो किया है ये हमारे पास क्या है, रफ, रफ ईआर मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ग्रीन से शो किया है ना इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे पास सेकंड जो ऊपर वाला पोर्शन सही साइड है उसको हम लोग समूथ एंडोप्लाज्मिक, समूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इन्वॉल्व होगा यहां से निकल के विस साइड, फॉर एग्जांपल इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी कहेंगे, कहीं भी अटैच हो गया, यहां से निकल कर कहीं भी अटैच हो सकता है। जो हमारे पास
बैक्टीरियल मटेरियल के शव में उसके साथ अटैच हो, जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट्स मेक्स प्रोटीन, वो हमारे पास जो प्रोटीन बनाकर देते सही बनाते हैं सही। जो हमारे पास सेकेंड वन है, हमारे पास फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन में भी दो चीज डिस्कस हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम लोग देखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज ऑफ लिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। सही, जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे पास फॉस्फोलिपिड या लिपिड है, ये सिंथेसाइज ऑफ स्मूथ, स्मूथ जो सिंथेसाइज करेगा, डिट्रोफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इसको दोबारा बनेगा डिट्रोफिकेशन, ये हमारे पास कौन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मोस्टली इन लिवर सेल, इन लिवर सेल फॉर द लिवर सेल, जो हमारे पास जो बाय द एडिंग ऑफ OH OH ग्रुप, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास हार्मोन्स भी पैदा करेगा, सही हार्मोन्स, और जो हेल्प करेगा मसल कंस्ट्रक्शन में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक विल हेल्प अस टू कंट्रैक्ट द मसल्स, द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस भी स्टोरेज करेगा, सही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी यह है जो जितने भी है हुए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सेकेंड वन है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, ये सिंथेसाइज जो समूथ था हमारे पास सिंथेसाइज ऑफ लिपिड था, जो रफ है हमारे पास सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर बने, प्रोटीन बनाते सही है, टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की बदौलत, थ्रू द राइबोसोम्स इट विल मेक प्रोटीन, मोस्टली मेम्ब्रेनस प्रोटीन, मेम्ब्रेनस प्रोटीन में बनाएगा। ये जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक इसका खासियत है प्रोटीन के लिए, जो प्रेजेंस ऑफ बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में लिपिड्स था, फॉस्फोलिपिड था, कोलेस्ट्रॉल था, वहां पे डिट्रोफिकेशन कर रहे थे उसको ड्रग्स का, ठीक है। जो आज का ये तुम्हारा लेक्चर, आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस, फॉर द मोर वीडियोस, ओके सी यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, दुआओं में रहें, अल्लाह हाफिज।